नमस्कार दोस्तों, मौजूद हूँ सीतापुर जनपद के तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड महमूदाबाद के बकौवा ग्राम पंचायत में, बकौवा गांव में इस वक्त मौजूद हैं। और समस्याएं तो कहाँ नहीं हैं, आजकल समस्याएं हर जगह हैं। और समस्याएं क्या बताएं, हम जब इस तरह के घर देखते हैं तो काफ़ी निराशा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी का एक इंटरव्यू देखा था हमने। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, बखूबी बताया था कि जब तक हम किसी को आवास नहीं देंगे हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। आवास क्या, रहने के लिए घर देना, उसको खाने के लिए रोटी देना, फ्री राशन वितरण करवाना और आवास देना, ये उनकी मंशा थी कि हर गरीब के पास एक घर हो। लेकिन आपको बता दें कि क्या गरीब के पास घर है? ग्राम पंचायत बकौवा के जो सचिव हैं इनके ऊपर लगातार खबरें चलती रहती हैं, खबरें प्रकाशित होती रहती हैं, लेकिन आज तक ना इनका ट्रांसफ़र हुआ है और ना इन पर कोई कार्रवाई हुई है। अब इसका क्या रीज़न है ये सरकार खुद जाने, हमको इससे मतलब नहीं है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी हमको इससे नहीं मतलब है। हमको इस तरह के जब घर देखकर निराशा होती है, वो निराशा हम आपसे व्यक्त करने के लिए आए हैं और हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? हमारा बब्बू नाम है। और गांव कौन सा है? बकौवा बाजार। अच्छा, ये इस घर में कब कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे 25 साल से हम रह रहे हैं। 25 सालों से रह रहे हैं, ऐसे ही रहते हैं? हाँ, ऐसे ही रहते हैं। इसमें तो सांप आपका भी खतरा, एक चक्कर काट चुका है। किसको? मेरे भाई ने दवा वा कराया और फिर माने जो है तो पैसा बहुत लगाया था मेरे भाई ने। तो आपने ग्राम प्रधान से शिकायत नहीं की, सचिव से नहीं? बार बार करते हैं, मतलब कहते हैं कि माने वहाँ बनी हु, मतलब वो दिलासा में हमका दे रहते हैं। अच्छा, दिलासा देते हैं लेकिन आवास के बाद? आवास में ये मेरी लड़की पड़ी हुई है, ये 100% की, ये पास रखा है, 100% की, विकलांग भी है। ठीक, और मान लो मेरी लड़की पड़ी हो, जब आंधी वाली आती है तो मैं यहाँ पे तखत के नीचे बच्चों को घुसेरते हैं। ठीक, और मान लो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आपने आवास के लिए कहा या नहीं? आवास के लिए कहा है, जय प्रधान हुए तय प्रधान से कहा, मतलब हमारी सुनवाई कोई नहीं करता है। अच्छा, यहाँ के जो सचिव हैं वो तो काफी सालों से हैं यहाँ मौजूद है, आपके मतलब जो सेक्रेटरी हैं आपके? हम सेक्रेटरी पास मैं जाते ही नहीं, जब जानी नहीं तुम जाइ तो ग्राम प्रधान के पास? हाँ, प्रधान से कहते हैं मगर प्रधान सुनते मान नहीं है। हाँ, तो आप देख ही सकते होंगे कि ग्राम प्रधान से ये शिकायत बार बार करते हैं, क्या वो ग्राम प्रधान सचिव तक शिकायत नहीं पहुंचाते हैं इनकी, या कोई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना चाहते हैं इस गांव को? इस गांव में हजारों तरह की समस्याएं हैं। ये एक बच्ची है जो 100% विकलांग है, इसको भी कोई राहत नहीं मिलती है। और इसको क्या रहने दीजिए, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी क्योंकि वो विकलांग है, उसको समझ नहीं आता होगा। आप ये बताइए हमको, जब आपका आवास नहीं बना है, प्रधान जी से भी शिकायत की है, आपको ये IJRS करी? अरे, कागज वागज ले जाते हैं, फिर कहते हैं बनी बनत कुछ नहीं भैया। अच्छा, कौन कागज लेके जाता है ये मान लो? अरे, कागज प्रधान ले जाते हैं और को ले जाते हैं। प्रधान आपके कागज भी लेके गए? हाँ, लेकिन उसके बाद क्या, ऐसा तो नहीं है कि आपका आवास आया हो किसी के और नाम अलॉट करा? अभी भैया पता नहीं, दूसरा ले लिए थे कि कैसे का हो हमका पता नहीं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन ग्राम प्रधान तो आपकी स्थिति जानते होंगे? हाँ, जानत कहे, जब दिखा दे तो कहे नहीं जानती है। अच्छा, 25 सालों से आप इस घर में रह रही हैं, किस तरह से? आपको हम ये बताना चाहते हैं कि 25 सालों से इस घर में लोग, मतलब ये परिवार रह रहा है, तो किस तरह से जीवन यापन करता होगा ये आप सोच सकते होंगे। लेकिन ये जो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव का भ्रष्टाचार है, ये क्या आगे बढ़ता रहेगा या ये कम पड़ेगा? इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है और ये हम देखना चाहते हैं कि इस तरह से यहाँ पे इनके घर में जंगल है, देखिए तो एक बार इनके घर पे सांप काट भी चुका है और दवाई ववाई भी कराई है, फिर भी कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। अब इस पे क्या करेगा प्रशासन, क्या आला अधिकारी इस पे संज्ञान लेते हैं या नहीं, ये तो जांच का विषय बना है। लेकिन ये जो घास फूस के और पल्ली डाले हुए लोग रह रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप इस पे कमेंट करके जवाब दीजिए।